आप बताइए क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे? क्यों खड़े हैं सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 25 जनवरी और आज आपको बताते चले, बीते दिनों जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी CAA, NRC और NPR को लेकर, और सर्वदलीय बैठक में ही यह निर्णय लिया गया था कि 25 जनवरी को मानक श्रृंखला लगाई जाएगी CAA, NRC और NPR के विरोध में। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे CPI और वामपंथी दलों का तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़े मानव श्रृंखला बनाए हैं। इन लोगों से ही बात करेंगे। महिलाएं जो हैं वो भी कतारबद्ध हैं, एक दूसरे का हाथों में हाथ पकड़े कतार लगाए खड़ी हैं। इनसे ही हम बात करेंगे। क्यों खड़ी हैं चाची आप लोग? क्यों खड़ी हैं चाची? हम खड़े हैं कि मानव सरकार खड़ा है और ये झंडा है जो बोल रहे हैं कि जो साल में जनगणना हो रहा है, बोल रहे हैं नीतीश जी कि मेरा वार जनगणना में नहीं यहाँ से जा रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि आधार कार्ड जॉब कार्ड सब नहीं है। तो हम दादा अथी सर दादा के आपको जो खतियान नहीं है यो का बासी नहीं है तो यहाँ से सब लोग के निकाल जाए, इस पर हम उनका पठा रहे हैं। अच्छा, NRC के खिलाफ खड़ी हैं आप? क्यों खड़ी हैं? हाँ, इसी NRC वाला जो है वो मतलब जनगणना जो बताए हैं जो कर रहे हैं जनगणना, वो मतलब कि जिसका 1985 के या 75 के किया उसने के मतलब बासी नहीं रहेगा, उसका आपका बाप दादा के मतलब खतिहान नहीं रहेगा। अच्छा। वो गांव बासी नहीं रहेगा। अच्छा, उनका विदेश हटा दिया जाएगा। आप बताइए क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पे? चलिए और चाची आप बताइए क्यों खड़ी हैं? हम लोग NRC के खिलाफ में यहाँ खड़े हैं। अच्छा। नीतीश सरकार हरियाली और शराबबंदी और के खिलाफ में, हाँ उसी के खिलाफ में वो NRC भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप बच्चे का लाइन लगाए थे और हम लोग पूरे जनता हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस NRC का खिलाफ कर रहे हैं और NRC को लागू नहीं। NRC की तो बात अभी हो नहीं रही, अभी CAA जो है वो कानून बना है। CAA के खिलाफ हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं और सरकार जो बोल रहे हैं उसका हम लोग बलात्कार कर रहे हैं। चल, और कुछ लोग हैं यहाँ पर सर, आप बताएं जो आपने ये जो पैलेट तिरंगा है रिजेक्ट किए तो क्यों आज कतारबद्ध होकर सब खड़े? यह संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। CAA, NPR और NRC का पैकेज, इसको मोदी और शाह खत्म करें। यह देश को विभाजित करने वाला है, भेदभाव करने वाला है, समाज और देश को तोड़ने वाला है। हम तमाम वामपंथी और लोकतांत्रिक पार्टियां, पूरा बिहार इसके खिलाफ खड़ा है और इसको हम वापस करवा के रहेंगे। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अब कतारबद्ध होकर मानव श्रृंखला लगाए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये इस स्टेशन करीब जो बुद्ध स्मृति पार्क है वहाँ के करीब का नज़ारा है जो हम आप तक पहुँचाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पर एक दूसरे का? हम लोग मानव संकल्प जो है हम लोग पूरे बिहार में हो रहा है। क्यों मानव संकल्प लगाया? मानव संकल्प हम लोग के लगाया गया है कि वर्षों से जब से मेरा CPI ये तक जन्म हुआ है जब से हम लोग मानव संकल्प करते हैं। और दूसरे चीज है, देश के अंदर जो सरकार है गलत नीति उठा रहा है, अभी जोर तोर से हम लोग के आंदोलन चल रहा है और गलत नीति का विरोध कर रही है। गलत निर्णयासी जो है, गलत निर्णयासी जो है ये हम लोग के सरकार जो है खिलाफ कर दिया है कि मतलब आधार कार्ड दिखाइए, जब जन्म पत्री सारा चीज मेरे पास में है, फिर भी NRC के मतलब हुआ कि इसे मतलब जैसे कि सरकार के कहना है कि आप जो है मेरे जो है क्षेत्र से हट रहे हैं। NRC की तो बातें अभी नहीं हो रही है, CAA की बातें हो रही है। हाँ, CAA है, NRC भी है, दोनों चीजें ठीक है। और देखिए हम लोग यहाँ पे सर्वे CAA NRC से दमनकारी बिल के खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देश में इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, उस पे चर्चा नहीं हो रहा है। हमें चाहिए
रोटी कपड़ा और मकान, और ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान में हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सब को चीज़ों को लेकर के आज हम लोग इस कतार में ये सरकार के खिलाफ खड़े होकर के मानव श्रृंखला बना करके और हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसे दमनकारी बिल को वापस लिया जाए। आप क्यों खड़े चले यहाँ पे? हम नहीं बोल नहीं, खड़े क्यों हैं ये तो बता सकते हैं? हमें क्या बोले, हम आप मानव श्रृंखला पर हम लोग खड़ा हैं। किस लिए आप मानव श्रृंखला बना रहे हैं? सब बिहार में थोड़ा सा दिक्कत है, बिहार में थोड़ा दिक्कत है। किस तरीके की दिक्कत है? दिक्कत है यही, रोटी कपड़ा मकान लड़ाई झगड़ा है, विरोध हो रहा है। सब कुछ नहीं मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिलना चाहिए। बहुत आप बताइए चाचा क्यों खड़े हैं? आप बताइए चाचा क्यों खड़े हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़े कर रहे हैं कि मानव श्रृंखला बना कर करके बीजेपी का जो यह नियम और कानून नागरिकता के NRC का ये सब के विरोध में हम लोग मानव श्रृंखला। चलिए, NRC और CA के विरोध में आप। चलिए, और लोग हैं जो CBI का दिए हुए झंडा, आप बताए क्यों खड़े? बोलो ना जी, बोलो। आप तो बुलाया गया आया है, क्या बोलो बुलाया गया? रैली है, इसे सुनना है, इसलिए आपको पता नहीं है किस लिए रैली? ये सब आपको पता नहीं है, कल लोग जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से CAA, NRC और NPR को लेकर आप देख सकते हैं देश और प्रदेश में कहीं विरोध तो कहीं समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पर 25 जनवरी और आज वामपंथी दलों और तमाम विपक्षी दल आज सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाए खड़े हैं। जिस तरीके से CAA, NRC और NPR को लेकर पूरे देश भर में धरना पे लोग बैठ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, और आज अगर बिहार और खासकर पटना की बात करें तो आपको सड़कों पर एक बार फिर से मानव कतार यानी मानव श्रृंखला लगाए लोग खड़े हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करें। क्यों खड़े हैं सर? हम खड़े हैं कि इस राज्य में इतना बेरोजगारी है और ये नागरिकता कानून जो आया है इसको संशोधन किया जाए, और ये जो है सरकार जो हरियाली को लेकर के अपना ये व्यवस्था मानव श्रृंखला निकाली थी, जब हमारे ही अंदर हरियाली नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसी के खिलाफ में आज जो है NCR का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्व में NRC जो चल रहा है और सरकार जो है लागू करना चाहती है, उसी के विरोध में आज ये हम लोग कर रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए। ये राज्य को एक मिनट रोकना चाहेंगे, NRC की बात अभी नहीं हुई है। CAA अभी जो है कैब से CAA बन चुका है, कानून बन चुका है, तो नहीं बनना चाहिए, उसके खिलाफ में हम लोग उसके खिलाफ में आप जी जी। चलिए, और कुछ हो गया क्यों खड़े हैं सर? खड़े कोई कारण तो होगा ना आपका? महंगाई महंगाई और बेरोजगारी कोई तो कारण जरूर है जो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। CA सिर्फ CA नहीं है जी जी, CA को अगर आप देखेंगे तो जो असम के अंदर जो NRC लागू किया गया और उससे क्योंकि हमारे देश में नागरिकता के लिए पहले से ही ऑलरेडी कानून है जी बिल्कुल, और ये जो NDA सरकार है वो असम के अंदर जो NRC लागू किया और उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देख रहे हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति और सेना में जो कर्नल तक थे वो सब लोग NRC के बाहर हैं, तो ये इसने देखा कि जो जो इसकी सरकार की जो मंशा थी कि हम मुस्लिम लोगों को बाहर निकालेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग आ गए, और हिंदू लोग आ गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ और ख़ास करके बिहार को जब हम देखते हैं तो बिहार में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो रोड के किनारे बसे हुए हैं, बांध के किनारे बसे हुए हैं, जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं, कोई कागजात नहीं। ऐसे भी हमारे यहाँ लोग हैं कि जो पहले बाढ़ से उत्तर बिहार का पूरा जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो जाता था, फूस का घर था, तो जिसके घर में कागजात था भी वो भी कागजात समाप्त हो गया, तो उसके पास भी अब साबित करने के लिए वो नागरिकता कोई कागजात नहीं है। तो अब यहाँ जो अशिक्षा है तो वो बता नहीं सकता है कि हमारे बाप दादा कहाँ पर है और वो उनका जन्मतिथि क्या था, ये कंक्रीट लोग नहीं दे सकता है, तो इस वजह से वो नागरिकता से बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो इसको पाटने के लिए सरकार ने वो CAA लाया है, और जो CAA वो संविधान विरोधी है, इस देश का जो संविधान है जो वो धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटता है, और ये धर्म के आधार पर लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, तो इसके खिलाफ में
ये संविधान के खिलाफ है, यहाँ के लोगों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोग इसको जो है संविधान विरोधी कानून का विरोध करने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधती रही है और ये कहते रही है कि CAA, NRC और NPR संविधान विरोधी बिल है, काला कानून है और इसका विरोध आज आप देख सकते हैं मानव श्रृंखला जो आज पटना की सड़कों पर बनाई जा रही है और बिहार के तमाम हिस्सों में आज मानव श्रृंखला जो बनाई जानी है, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अब एक साथ आकर इसका विरोध कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी की बात करें या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की बात करें या JD की बात करें, वो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अब CAA, NRC और NPR का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम तस्वीरें लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत। आप बताइए क्यों खड़े हैं आप यहाँ पर? क्यों खड़े हैं सर?